अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जुबिया ब्याह कर सुलेमान के घर आ जाती है, मगर लालची ख़ानदान में से सिर्फ उसे जोया ही अच्छी लगती है। वो अपने घर वालों के साथ अपने चाचा ससुर के घर भी जाती है ताकि पता चले आखिर रबिया में ऐसी क्या खराबी थी कि मंगनी तोड़ी गई। मगर वहाँ जाकर जुबिया हैरान हो जाती है रबिया को देखकर, इतनी कम उम्र और प्यारी लड़की को छोड़ दिया सिर्फ लालच की वजह से। जुबिया की माँ कहती है, अगर हमारा कोई बेटा होता तो हम रबिया को अपनी बहू बना लेते। सुलेमान की माँ को शर्मिंदगी की वजह से खांसी लग जाती है। सुलेमान चोरी चोरी रबिया को देखता है, जुबिया उसकी चोरी पकड़ लेती है, उसे वार्न करती है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस्लाम की फैमिली और बच्चों की तारीफ़ें जोया की माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो जोया के मना करने के बावजूद उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाती है। जोया कहती भी है, माँ अगर मेरी शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं जान दे दूँगी, मगर माँ इसे सिर्फ धमकी समझती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे सुंदर को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो जाते हैं जो बाद में बड़े किरदार बन जाते हैं। सुंदर की शोहरत दूर दूर तक फैल जाएगी और वो सारा महल को छोड़कर शहर के महंगे इलाके में घर लेकर सबको साथ ले जाने की कोशिश करेगी, मगर सारा बेगम इनकार कर देगी। उसकी वजह से गीती भी सुंदर के घर नहीं जाएगी, सवाए नगीना के वो जवान लड़की को अकेले नहीं रहने देना चाहती थी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।